मूवी की शुरुआत में हम दो भाइयों पेड्रो और जिमी को देखते हैं। तभी उन्हें बाहर गन शॉट की आवाज आती है, जिसे सुन दोनों वहां पर चेक करने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें किसी की कटी हुई बॉडी मिलती है जिसे बीच से फाड़ा गया था। फिर चेक करने पर उन्हें उस आदमी के सामान में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें उसी टाउन की एक लेडी का एड्रेस था। फिर वो उस लेडी के पास जाते हैं जो वहाँ अपने दो बेटों के साथ रहती है। वो उससे कहते हैं कि यहाँ पर कोई आने वाला था लेकिन अब वो नहीं आ पाएगा। मारिया कहती है कि एक क्लीनर उसके बड़े बेटे यूरियल को मारने आने वाला था। ये दोनों अंदर जाते हैं तो यूरियल की हालत देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी सड़कर फूल गई थी, जिसे रॉटन कहा जाता है। ऐसा जीव जिसे अनबॉर्न डीमन ने पजस कर लिया हो ताकि वो उससे जन्म ले सके। दोनों भाई पुलिस के पास जाते हैं पर पुलिस वाले कहते हैं कि ये डीमन कुछ नहीं होता और ये उनकी प्रॉब्लम है। फिर ये वहाँ के लैंड ओनर जिसका नाम रुइज होता है उससे इस जगह को छोड़कर जाने को कहते हैं, पर रुइज अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाना चाहता। रात को रुइज अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ होता है जहाँ वो इसी बारे में सोच रहा था। तभी वो अपनी गन उठाकर यूरियल को मारने जाने लगता है पर मारिया उसे रोकती है कि वो गन से नहीं मरेगा और वो खुद भी मारा जाएगा, इसीलिए रुइज रुक जाता है। फिर रुइज दोनों भाइयों से कहता है कि हम यूरियल को कहीं दूर ले जाकर फेंक देंगे। फिर ये उसे बेड शीट समेत उठाकर बाहर लाते हैं पर बाहर आते ही वो चादर फट जाती है। फिर कंबल में लपेटकर वो उसे ट्रक में चढ़ाते हैं और उसे फेंकने चल देते हैं। अब काफी दूर आने पर वो उसे वहीं पर फेंकने का सोचते हैं पर तभी एक बच्चा उनके सामने आ जाता है जिसे बचाने के चक्कर में उनका ट्रक डिसबैलेंस हो जाता है पर सभी की जान बच जाती है। अब आगे उन्हें एक ठीक जगह मिल जाती है पर जब ये ट्रक से उतरते हैं तो देखते हैं कि यूरियल वहां नहीं है। अब ये सभी शाम तक वापस घर आ जाते हैं। इधर रुइज भी अपने घर में होता है। अगली सुबह रुइज की वाइफ देखती है कि उनकी एक बकरी पजस थी। रुइज अपनी गन हवा में फायर करता है जिससे एक बकरी के अलावा सभी बकरी वहां से भाग जाती है। रुइज की वाइफ कहती है कि गन का यूज मत करो, हमारी फैमिली मर जाएगी, पर वो बकरी खुद उसके सामने आ जाती है और रुइज उसे उड़ा देता है। तभी उसकी वाइफ उसे भी कुल्हाड़ी से मार देती है। फिर वो अपने फेस पर भी लगातार कुल्हाड़ी मारती है जब तक कि वो मर नहीं जाती। रात को जिमी और पेड्रो बैठे होते हैं तभी उनके पास यूरियल का छोटा भाई आता है और बताता है कि उसकी माँ मारिया मिसिंग हो गई है, इसीलिए वो घर नहीं जाना चाहता। तब दोनों भाई उससे गन लेकर उसे अस्तबल में सोने के लिए कहते हैं। अगले दिन दोनों भाई यहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। टाउन जाकर जिमी उनकी माँ को लेने चला जाता है और पेड्रो को अपनी एक्स वाइफ सबरीना को लेने भेजता है। दरअसल सबरीना ने 4 साल पहले उसे छोड़ दिया है और लियो नाम के आदमी के साथ रह रही है जिसकी एक बेटी भी है। पेड्रो उन्हें बताता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा और अपने पुराने कपड़े को निकाल कर उन्हें जला देता है। पेड्रो उन्हें समझाता है कि टाउन के अंदर एक रॉटन मिला है। इधर हम विकी को उनके डॉग के साथ देखते हैं जो अचानक से उस पर अटैक करके उसकी गर्दन तोड़ देता है, जिसे उनका बेटा सैंटिनो देख लेता है और सबको इसके बारे में बताने लगता है। दरअसल ये उस डॉग के पेड्रो के कपड़े चाटने की वजह से वो पजेस हो गया था। पेड्रो लियो को उस डॉग के पास गन ले जाने को मना करता है पर लियो उनकी नहीं सुनता और ट्रक लेकर चला जाता है। पेड्रो उसके पीछे जाता है। रास्ते में उसे वही पुलिस वाला मिलता है। पेड्रो उससे कहता है कि डॉग को गोली मत मारना। तभी आगे उसे लियो मिलता है जिसने अब उस डॉग को शूट कर दिया था। पेड्रो घर पर आता है तो देखता है कि विकी वापस सही सलामत घर आ गई है, यानी अब वो भी पजेस है। पेड्रो सबरीना की कार की चाबी को ढूंढने लगता है। वो इसके बारे में अपने बेटे जेयर से पूछता है जो कुछ बोल नहीं सकता था। पेड्रो उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम दिलाने का कहता है। तब जेयर उसे चाबी का पता बता देता है। फिर तीनों कार लेकर निकल जाते हैं। इधर विकी सबरीना के कान में बोलती है कि डैड कार लेकर घर आएंगे, पर सबरीना को कुछ समझ नहीं आता। तभी लियो कार से सीधा सबरीना को दीवार में ठोक देता है। ये देख पेड्रो वहां से निकल जाता है। पेड्रो जिमी के पास आता है और अपनी मॉम को लेकर ये यहाँ से कहीं दूर जाने लगते हैं। रास्ते में ये एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। तभी पेड्रो के पास सबरीना का कॉल आता है। पेड्रो दूर जाकर बात करता है तो फोन पर पजेस सबरीना बोल रही थी। वो कहती है कि तुम मेरे बच्चों को ले गए हो पर मैं उन्हें लेने जरूर आऊंगी। ये सुनकर पेड्रो उस फोन को तोड़ देता है और रोने लगता है। जिमी उसके पास आता है तो पेड्रो उसे बताता है कि सबरीना मर चुकी है। जिमी उसे हौसला देता है कि
हमें बच्चों को बचाना होगा। तभी जिमी उसे अपनी एक दोस्त के बारे में बताता है जो पहले एक क्लीनर हुआ करती थी, जहाँ ये रात गुजार सकते हैं। इसीलिए ये दोनों मीरता के घर जाते हैं। पेड्रो यहाँ नहीं रुकना चाहता था, पर जिमी के कहने पर वो रुक जाता है। तभी मीरता जिमी को अकेले में बताती है कि जेर भी उसे पोजेस लग रहा है। रात में पेड्रो जेर के साथ कार में बैठा था तो वो जेर की अभी भी बनाई हुई पेंटिंग देखता है। तभी रात को सबरीना सैंटिनो को किडनैप कर लेती है, पर उसकी दादी उसे देख लेती है। उसकी शोर सुनकर जिमी पेड्रो को जगाता है और पेड्रो सबरीना को रोकने की कोशिश करता है, पर वो सैंटिनो को साथ लेकर ऊपर से कूद जाती है। नीचे जाकर वो देखता है तो वो वहाँ से गायब थी और कार पर उसे ब्लड भी मिलता है, पर जेर बिल्कुल सेफ था। दरअसल जेर पहले से ही पजस था, इसीलिए सबरीना उसे लेकर नहीं गई। मीरता कहती है कि हमें रोटन को मारना होगा। वो अपने क्लीनर डिवाइस को क्लीन करती है और पेड्रो के साथ रोटन को ढूंढने जाती है और जिमी सैंटिनो को ढूंढने जाता है। इधर घर पर जेर और उसकी दादी होती हैं। इधर जिमी को सबरीना मिल जाती है जिसने सैंटिनो को मार डाला था और वो कार पर लगा ब्लड सैंटिनो का ही था। सबरीना उसके सर का पॉपकॉर्न बनाकर उसके दिमाग को खाने लगती है। तभी जिमी गाड़ी स्टार्ट करके सबरीना को पेड़ पर ठोक देता है जिसमे वो खुद भी घायल हो जाता है। इधर जेर अपनी दादी के पास आता है, पर अब वो एकदम सही से बात कर रहा था और उसे काफी भूख लग रही होती है। इधर ये दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से यूरियल गायब हुआ था। दोनों वहीं पास के एक स्कूल में जाते हैं क्योंकि मीरता बताती है कि डीमन को बच्चे पसंद होते हैं। तभी स्कूल में उन्हें कुछ पजस बच्चे दिखाई देते हैं। मीरता बाहर आकर पेड्रो को बताती है कि ये बच्चे हमारी कोई मदद नहीं करने वाले। तभी एक और बच्चा वहां आता है और ये वही बच्चा था जिसकी वजह से ट्रक डिसबैलेंस हुआ था। पेड्रो उससे पूछता है तो वह चुपचाप अंदर जाने लगता है, पर तभी वो बताता है कि यूरियल तुम्हें टीचर के घर पर मिलेगा। तभी एक बच्ची आकर बताती है कि वह झूठ बोल रहा है क्योंकि यूरियल तो मेरे घर में है, जिससे दोनों समझ जाते हैं कि ये सभी बच्चे झूठ बोल रहे हैं और रोटन यहीं पर है। तभी स्टेज के नीचे उन्हें टीचर और पेरेंट्स की बॉडी मिलती है। अब मीरता अपने डिवाइस को रेडी करती है और पेड्रो स्टेज को खोलता है क्योंकि वो समझ चुका था कि यूरियल यहीं पर होगा। तभी उसे लाशों के बीच में यूरियल मिल जाता है जो कि अब भी जिंदा था। पेड्रो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि मीरता उसे अपनी डिवाइस से मार सके। पेड्रो उस स्टेज को तोड़कर उसे निकालने का सोचता है। तभी लड़की कहती है कि पास वाले कमरे में एक कुल्हाड़ी है। मीरता उसे जाने से मना करती है, पर पेड्रो उसकी बात मानकर उस कुल्हाड़ी को लेने चला जाता है, पर अंदर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी बच्चे उसे उसी रूम में लॉक कर देते हैं और मीरता के डिवाइस को तोड़कर उसके सर में हथौड़े से अटैक करके उसे ले जाते हैं। पेड्रो ग्लास तोड़कर दरवाजा खोलता है, पर अब काफी देर हो गई थी। तभी यूरियल स्टेज से बाहर आता है। ये देख पेड्रो गुस्से में डिवाइस के एक पीस से यूरियल के सर को मारकर तोड़ देता है, पर तभी डेविल का जन्म हो जाता है और सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी डेविल पेड्रो के माथे पर उंगलियां फेरता है उसे टॉन्ट करने के लिए। फिर डीमन सुबह में सूरज की ओर निकलता है और उसके पीछे बच्चे भी होते हैं और यही ड्राइंग जेर ने भी बनाई थी। इधर पेड्रो मीरता के घर पहुंचता है जहां जिमी भी था। फिर जेर को साथ लेकर वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। पेड्रो जेर को उसकी फेवरेट एप्पल आइसक्रीम देता है। फिर पेड्रो खुद को साफ करने के लिए नहाता है, पर अब भी उसके माथे से वो निशान नहीं हटता। इधर जिमी अस्तबल में जाता है जहां यूरियल का भाई अभी भी पड़ा था। अब यहां वो रिवील कर देता है कि उस क्लीनर को उसी ने मारा था क्योंकि उसके सर में एक आवाज उसे ऐसा करने के लिए बोल रही थी। जिमी पूछता है तो फिर तुम्हारी माँ का क्या हुआ, तो वो बोलता है कि वही जो तुम्हारी माँ का हुआ। इधर आइसक्रीम खाते खाते जेर अचानक से चोक करने लगता है। पेड्रो उसके पास आकर देखता है तो उसके गले से बाल और खून निकलने लगता है। पेड्रो को कुछ समझ नहीं आता, पर तभी उसके अंदर से निकलता है पेड्रो की माँ का नेकलेस, यानी कि जेर ही अपनी दादी को खा गया था क्योंकि उसे काफी भूख लग रही थी। पेड्रो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगता है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।